नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जमीयत उलेमा ए हिंद सद्भावना मंच की ओर से एक मीटिंग हुई संपन्न। आपको बताते चले कि दिल्ली के जमीयत उलेमा ए हिंद के कार्यालय पर एक मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें आने वाली 28 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोग्राम करने की चर्चा हुई। आपको बता दें कि जमीयत उलेमा ए हिंद सद्भावना ने एक ऐसी मुहिम छेड़ी है जिसने सभी धर्मों के लोगों को जोड़ा है। आज देश के जैसे हालात बने हुए हैं, एक नफरती माहौल बना हुआ है जिसमें सभी भाईचारे से मिलकर कार्य करने का आह्वान किया है, जिसमें मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, मौलाना जावेद कासमी, सुशील खन्ना जी, डॉ आर एस यादव जी, डॉ रमेश कुमार जी, डॉ सिंधिया, के शर्मा जी, राजेश त्यागी, राज हरविंदर सिंह, शादाब आलम, सलीम अंसारी मौजूद रहे। 28 तारीख का सद्भावना कार्यक्रम के लिए और मौलाना जावेद साहब के मार्गदर्शन पे चलने के लिए मैं छोटा सा किस्सा मुझे भी याद आ गया कि सद्भावना किसे कहते हैं, सद्भावना कैसे मनाया जाता है, सद्भावना को साथ लेके कैसे चलते हैं। हमारे क्षेत्र में दिवाली का प्रोग्राम करते हैं, होली का प्रोग्राम करते हैं। मेरे मन में आया कि ईद आ रही है, रोजे रखे में एक प्रोग्राम क्यों ना किया जाए। मेरे दिल में ही थी पर मैं किसी को क्या बता नहीं पा रहा था। चार दोस्त मेरे पास आए, कल्याण शर्मा जी आप ये प्रोग्राम कराते हो, वो प्रोग्राम कराते हो, ईद का कार्यक्रम क्यों नहीं कराते आज हमारे यहाँ पे। मैंने कहा मैं, आप लोग साथ हैं जरूर होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए दैनिक दिल्ली न्यूज़। नमस्कार।